क्या हुआ हमने? क्यों उदास बैठी हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है सजीला। किस बात से? तुम जो हिमाकत कर बैठी हो उससे। उपू ने कुछ कहा आपसे? वो कहती हैं आईने में अगर बाल आ जाए तो बात पहले जैसी नहीं रहती। ये कहा है उन्होंने? इस तरह तो मैंने उनके बेटे को कितनी दफा माफ किया। मैंने तो कभी नहीं कहा कि आईने में बाल आ गया। तुम क्यों कहती? तुम्हारा आईना तो कभी साफ था ही नहीं। जो अगर बाल आ जाता तो उस पर फर्क पड़ता। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं बेटा। तुमने कभी शानी की और उसकी मोहब्बत की कदर नहीं की। अम्मी जब शानी को कोई शिकवा नहीं तो फुप्पू को क्या प्रॉब्लम है? वो तो मोहब्बत करता है ना तुमसे, लेकिन बाकी सबकी तो आंखें हैं। कर दी पप्पू ने। जब वो लोग शानी को कुछ सुनाए तो वो लोग बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब मैं उनके भले के लिए शानी से अगर खफा हो जाती तो मैं बुरी। ये इंसाफ किया उन्होंने मेरे साथ? कुछ रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं सजीला, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। अम्मी जिन रिश्तों को संभालने के लिए फूंक फूंक के कदम रखना पड़े ना, उन रिश्तों से दूर ही रहना बेहतर है। मत किया करो तुम ऐसी बातें। तुम्हारी इन्हीं सोचों ने मुझे परेशान कर रखा है। हमें आप बेफिक्र रहिए, शानी मुझे नहीं छोड़ेगा। क्योंकि मुझे छोड़ ही नहीं सकता। ऐसे जो खुद मोहब्बत करने में इतना दबंग हो, वो कैसे किसी दूसरे को रोक सकता है? रोक तो नहीं सकता, लेकिन कम से कम आपको ये बता सकता हूँ कि मैं इस मोहब्बत के लिए मुनासिब नहीं। मोहब्बत के लिए कौन मुनासिब है और कौन नहीं, अगर ये देख के मोहब्बत की जाए तो शायद कोई मोहब्बत ही ना करे। तुम भी नहीं। ये सब कुछ जानती हूँ तो अपने आप को शराबों के पीछे भगा भगा के क्यों थकाती हैं? ऐसे मशवरे मत दिया करो जिन पर तुम खुद अमल नहीं करते। मैं किसी शराब के पीछे नहीं भाग रहा। सजीला को डिस्कस नहीं करना चाहती। सजीला शराब नहीं है, मोहब्बत है। जो मोहब्बत घर से जुड़ी हो वो मोहब्बतें नहीं होती, साजिशें होती हैं। मुझे लगता है बहुत गलत ट्वीट किया है किसी ने आपको। जिंदगी में जब कभी यकीन हो जाए कि सजीला सिर्फ एक शराब है तो मुझे जरूर बताओगे। जिंदगी शराब है इस बात को पता तब चलता है जब जिंदगी खत्म होती है। मुझे भी अपनी मोहब्बत पे ऐसे ही भरोसा है। आखिरी सांस तक इंतजार करूंगा तुम्हारा। दोस्ती में गर्ज नहीं होता, एक दूसरे के हक के लिए लड़ना पड़ता है, बल्कि यूं कह लीजिए कि एक दूसरे की खुशियों के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है।
क्या सोच रही? यही सोच रही हूँ कि हम दोनों अपनी मोहब्बत पे बहुत मान दिखा रहे हैं। देखते हैं दोनों में से पहले कौन अपनी खुशफहमियों से बाहर आकर हार मानता है। मोहब्बत में हार मान ली जाए तो संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम पे अगर ऐसा वक्त आया तो मैं तुम्हें संभाल लूंगी। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने बारे में सोचिए। अगर आप पर ऐसा वक्त आया तो आपको कौन संभालेगा? शानी, तुमसे मोहब्बत अब मेरी जिंदगी है। मैं उस जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती जिसमें तुमसे मोहब्बत का एहसास मेरे साथ ना हो। मैं मानती हूं कि तुम मोहब्बत करने में आजाद हो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती। तुम अपनी मोहब्बत निभाओ, मैं अपनी मोहब्बत निभाऊंगी। रास्ते जुदा भी हो जाए तो भी तुम्हारी सर्द में ये मेरे इरादों से मुझे नहीं रोक सकती। जी अम्मी, मैं दिए खाने का ऑर्डर हो गया। बेटा, मैं तो इस मेहंदी वेंदी के झंझट में पढ़ना ही नहीं चाह रही थी, लेकिन खावर की वालदा के इसरार पर करनी पड़ी। चले अच्छा हुआ, जितना कुछ किया है वहाँ ये भी हो गया। आप ये बताइए कि किसी और को दावत देनी है? हाँ, वो जो पुराने मोहल्ले वाले थे, खान साहब की फैमिली, शाहिदा वगैरह, उन लोगों से कह दिया तुमने? जी अम्मी, सबसे पहले उन्हीं को बुलाया, उनको कैसे भूल सकते हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा, इतना अरसा उनके साथ रहे, वो कहेंगे अपनी खुशियों में भी याद नहीं करते। ठीक कह रही हैं, पुराने लोगों के साथ ही तो जिंदगी का मजा है। तुमने शांजी को बताया मेहंदी का? नहीं, वो सिर्फ शादी पे आएगी। बेटा, तुम्हें चाहिए था उसे मेहंदी पे भी इन बुला लेते। अम्मी, उन लोगों का मिजाज हम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लोग फजूल में तरह तरह की बातें करेंगे। लोगों की बातों से ज्यादा अहम हमारे लिए हमारी खुशियों में शांजी की मौजूदगी है। मैंने इन्वाइट कर लिया उसे। जब तुमने बुला ही लिया था उसको तो मुझे बताने की क्या जरूरत है? क्यों शिकवा कर रही हो मुझसे बिना वजह? अच्छा अच्छा, अपना मूड ना खराब करो, वो भी हमारी बेटी की तरह है। ठीक किया तुमने उसे बुला लिया। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब आपकी वो बेटी आ जाए ना तो उसके सामने सजीला को इग्नोर करना मत शुरू हो जाइएगा, प्लीज। जो जितना अहम होगा ना उसे उतनी तवज्जो मिलेगी। जानता हूं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है और क्यों। तुमसे तो बात करने ही फजूल है नादिया। चांदे कहाँ है? वो मेहंदी के लिए तैयार हो रही है। कैम, तुम्हें याद है ना, कल शानी की बहन की शादी है और उसने हम दोनों को इनवाइट किया है। जमाल डिनर के लिए इनवाइट करना चाह रहा है, कब का कहूँ उसे? मैं बात शानी की कर रही हूँ और तुम जमाल का जिक्र लेकर बैठ गए। शानी की बहन की शादी हमारे जाए बगैर भी हो जाएगी। तुमने नहीं जाना तो ना जाओ, मैं तो जाऊंगी। शुक्र है तुमने ये नहीं कह दिया कि तुम नहीं जाओगे तो शांजे क्या सोचेगी। शांजे कुछ सोचे या ना सोचे, शानी को ये बात बहुत बुरी लगेगी। उसको बुरा लग भी जाए तो आई डोंट केयर, मेरे लिए वो अहम नहीं है। मैं तुमसे इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती कि शानी की खुशी अहम है या नहीं। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मेरी बेटी की खुशी बहुत अहम है मुझे। एक बात बताऊँ तुम्हें?
मुझे लगता है कि ये लड़का हमारे साथ सिंसेयर नहीं है। यही तो मसला है, वो बहुत सिंसेयर है इस ताल्लुक में। उनसा ताल्लुक, कैसा ताल्लुक? मुझे तो नहीं लगता है वो किसी भी ताल्लुक के लिए सिंसेयर है। वो तुम दोनों माँ बेटियों का ना बेवकूफ बना रहा है, बस और कुछ भी नहीं है। तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम नहीं जाओगे? नहीं। जी अम्मी, बुलाया आपने? हाँ बेटा, मैं कह रही थी उनसे कुछ रास्ता हुआ। हाँ हाँ, रास्ते में वो लोग आ रहे हैं। अच्छा, और सुनो, खाना वाना सब तैयार है? सब इंसान मुकम्मल है, सब रेडी है। फरिश्ता, अच्छा। मैं यही देखने आई थी कि तुम तैयार हो के नहीं। बाहर सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। बाहर के सारे काम भी मुझे ही देखने हैं, इसलिए देर हो गई। वैसे तैयार होता तो वो अच्छा लगता है ना, जिसको देखने वाला कोई हो, अप्रिशिएट करने वाला कोई हो। मुझ गरीब का क्या है, तैयार हूँ या ना हूँ, क्या फर्क पड़ता है? बेचारगी की ना इतना ही बॉन्डी एक्टिंग की है तुमने। अगर वैसे इतना ही शौक था अपनी तारीफ करवाने का या किसी के लिए तैयार होने का, तो क्यों नहीं बुला लिया तुमने अपनी उन मैम शानजे को? क्या बात की है, दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। पता नहीं कहाँ होगी इस वक्त। वैसे कम से कम मेरी जिंदगी में भी कोई एडमायर करने वाला तो होगा, है ना? आ रही है, आप ही ने बताया, रास्ते में ही है। Really? क्या पता तुम्हें वो ही अप्रिशिएट कर दे। वैसे बहुत अच्छी लग रही हो आज। भाई भी सब यही कह रहे थे। मैं दिल से कह रहा हूँ। अपनी दिल की बात है ना, जरा संभाल के रखिए। आप शायद भूल रहे हैं शादी आपकी नहीं, आपकी बहन की है। शायद आप भी भूल रही हैं कि हमारी शादी में अब थोड़ा सा वक्त रह गया है। बहुत सहली तुम्हारी बेरुखी। मैं शानी, हाथ छोड़ मेरे। दो मिनट यार, कोई आ जाएगा ना? कोई नहीं आएगा। शानी किधर? जी अम्मी, बाहर आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। ये सजीला आपी, ये है शानजे आपी। हमारी पहले मुलाकात हो चुकी है? नहीं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, भाभी से मिलो। फरजाना, ये शानजे है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ मैं। भाई ये भी हमारे घर की बेटी की तरह है। शानजे आप अजब बहुत प्यारी लग रही हैं। अरे माशाल्लाह कहो, क्यों नजर लगा रहे हो मेरी बच्ची को? हाय। हाय। गए हो गए, आज सारा दिन काम में लगा रहा है।
बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। शुक्रिया बेटा, जीती रहो। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है शानी, मुझे बहुत पसंद आया। रियली थैंक यू। मैं जरा नादिया से मिलना चाहती हूँ। हाँ हाँ जुगनू, आप ही के पास ले जाओ शान से। जी अम्मी, चले आप। अच्छा मैं भी जरा उधर देख लूँ क्या हो रहा है, आ जाना तुम भी। ये तो कुछ ज्यादा ही बेशरम लड़की निकली, सबके सामने तुमसे हाथ मिलाने लग गई। मोहब्बत है इस लड़की की, वरना बाज वक्त तो तन्हाई में भी हाथ नहीं पकड़ने देता है। ऐसी बेबाक और छिछोरी मोहब्बत है तुम्हें ही मुबारक, जाओ शौक से उसका हाथ पकड़ो। सोच लो, पकड़ ही ना लूं कहीं। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, मुझे तो डर है कि खावर भाई आज ही रुखसती कराने की जिद ना करने लगे। इतनी जल्दी जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अच्छा, लेकिन कल आपके इरादे नहीं चलेंगे। मैं हमेशा आपके लिए दुआगो रहूंगी। आपके लिए मेरी तरफ से एक और छोटा सा गिफ्ट है। वो क्या? गाड़ी। खावर भाई की ख्वाहिश थी ना? नहीं, आपने पहले बहुत कुछ किया मेरे लिए, मैं ये नहीं ले पाऊंगी। किसी का गिफ्ट लेने से इनकार नहीं करते। मगर शानी को अच्छा नहीं लगेगा, मैं नहीं ले सकती। गाड़ी कल आपके ससुराल पहुंच जाएगी, शानी को कुछ बुरा लगेगा तो उसे जवाब मैं खुद दूंगी। क्या हुआ? मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। आपकी दी हुई एक एक चीज मुझे एहसास दिलाएगी कि मैं आपकी कर्जदार हूं और मैं आपका कर्ज जरूर चुकाऊंगी। नादिया को कहाँ छुपा के रखा है, उसे बुलाएं। जी जी मैं बुलाती हूँ। बेटा शांति से कहो नादिया को ले आए। क्या हुआ है? शांति बैठी है वहाँ पे। समझा भी, तुम्हारा जाना जरूरी है। जाओ जाओ, मेरा बेटा सब देख रहा है।
इसमें हो गई ना थोड़ा हल्ला गुल्ला करते हैं ना। तुमने शानी से पूछ ली है? मैंने शानी भाई को सब बता दिया, सब कुछ अरेंज है। चल प्लीज चल। अच्छा 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 जी खुशियां बना के तुझे दिल में सजना सो रब दी, इतना है तुझे चाहना मैं सो रब दी, इतना है तुझे चाहना। सपने बन तेरे तेरी अखियों में रहना सो रब दी, इतना है तुझे चाहना मैं सो रब दी, इतना है तुझे चाहना। को ना देखा सो रब दी, इतना है तुझे चाहना मैं सो रब दी, इतना है तुझे चाहना। सपने बन तेरे तेरे अखियों में रहना सो रब दी, इतना है तुझे चाहना मैं सो रब दी, इतना है तुझे चाहना। Thank you.
आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बाहर जाके मेहमानों को अटेंड करें। मेरे ख्याल में तो बेटा घर पे डॉक्टर बुला लेते। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, चोट नहीं लगी मुझे। तो फिर मैं गर्म पट्टी बांध देती हूँ, आराम आ जाएगा तुम्हें। आंटी वो सब मैं खुद कर लूंगी। शानी आंटी को बाहर ले जाओ, मेहमान क्या सोच रहे होंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ आपको। नहीं, आई एम फीलिंग वेल, बल्कि मैं घर चली जाती हूँ, रेस्ट करूंगी तो बेहतर महसूस करूंगी। ड्राइवर है ना साथ? नहीं ड्राइवर तो नहीं है। अरे तो फिर कैसे जाओगी बेटा, शानी छोड़ाएगा तुम्हें। नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं बेटा मैं ऐसे हरगिज नहीं जाने दूंगी, शानी तुम छोड़ कर आना। ठीक है अम्मी मैं छोड़ आऊंगा, खावर भाई की फैमिली चली जाए उसके बाद मैं छोड़ा था आपको। ठीक है बेटा, जब तक तुम आराम करो। कहाँ हो, सारे में ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें, यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? कैसी है वो? कौन? अच्छा शान से, कुछ नहीं उसके पाँव में मोच आ गई थी जरा। ठीक है बच तो जाएगी ना वो? क्या मतलब? तुम लोग सारे तो ऐसे फिक्र करते जैसे पता नहीं क्या हो गया उसे। यार मेहमान है, हमारी फिक्र करना तो बनता है ना। इतनी भी नहीं कि अपनों को गैर अहम कर दो। मान लो जालिस हो रही हो। शानी जालिस नहीं हो रही, तुम पे हैरत हो रही है। तुम ऐसे तो नहीं थे पहले। क्या मतलब ऐसे नहीं थे? कैसा नहीं था? अभी भी मैं बताऊं, बड़ा कदम से कदम मिला के नाच रहे थे ना उसके साथ। सारी बात है, अब तुम कदम से कदम नहीं मिलाओगी तो किसी और को तो मौका मिल ही जाएगा ना। ठीक है उसी के साथ कदम मिलाओ आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो गया यार? आजा हाँ मैं आ रहा हूँ। ओके आई एम सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? मेरी वजह से इवेंट छोड़ के घर जाना पड़ा और अब मुझे घर छोड़ने के लिए जा रहे हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी शादी और घर के साथ ही तो है, और यूं भी मैं इतना बेमुरव्वत नहीं हूँ। बहुत प्यारे लग रहे थे आज। Really? ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे खुद नहीं जानते। किसी ने बताया ही नहीं। सजीला ने तो बताया होगा या उसने भी नहीं बताया? ऐसे ही लापरवाही, ध्यान कहाँ देती है इन बातों का। मेरा मतलब है उसको मैं हर हाल में अच्छा लगता हूँ। मैंने तुम्हें इस ड्रेस में पहली बार देखा इसलिए तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। थैंक यू। वैसे आप भी बहुत अच्छी लग रही थी आज। फौरन बदला उतार देते हो, वेरी क्लेवर। नहीं सही कह रहा, बल्कि मैं क्या हर कोई कह रहा था वहां, शायद इसीलिए आपको नजर लग गई। मुझे नहीं लगता कि नजर लगी है, मुझे तो लगता है जैसे किसी की मेहरबान नजर ने चंद लम्हे मजीद साथ दे दिया तुम्हारा। सजीला मुझे तो खावर के घर वाले बहुत ही चालाक लगे। सिर्फ खावर के घर वाले? और वो शान से?
वो नहीं चलाक लगी आप? क्या जरूरत थी फैमिली फंक्शन में आने की? रावज अपने नंबर बनाने की कोशिश कर रही है। मुझे तो लग रहा है नंबर बना चुकी है। उन सबको तो जैसे शांजे के अलावा कोई और नजर ही नहीं आ रहा था। हाँ बस तुम लोग तैयार रहो, मैं आ रहा हूँ ड्रॉप करने के लिए, ठीक है? जाना नहीं। इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं, हम खैरियत से घर पहुंच चुके हैं। यार अब शानी का फोन है, मेरी बात करो। तू ना अम्मी से बात कर। हेलो। हाँ मामी, कहाँ निकल गए आप लोग? मैं आ रहा था छोड़ने के लिए आपको। नहीं बेटा, हमें कैब मिल गई थी, हम घर आ गए। तुम्हें वहाँ पे और भी बहुत काम है। कोई काम ऐसा जरूरी नहीं था। आप नाराज है ना मुझसे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, नाराजगी किस बात की? खुदा हाफिज़। क्या? मुझे लगा था आप दोस्त सुनाएंगी उससे। किस बात पे? अम्मी वो शांजे को बाद में भी तो छोड़ने जा सकता था ना। छोड़, छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लिया। ये छोटी बात है अम्मी, आपको दिखाई नहीं दे रहा था कैसे सारे के सारे शांजे के आगे पीछे जा रहे थे? सब दिख रहा था लेकिन कहा ना, नजरअंदाज कर दो। और हाँ, शानी से इस बारे में कोई बहस मत कर, समझ गई? चलो।